किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इनमें हाई पावर की बैटरी इसे कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ड्रोन की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो निगरानी के साथ ही सुरक्षा भी करेगी। घातक ड्रोन की बदौलत अमेरिका ने अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों को सबक सिखाया है। भारत भी अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन क्यों जरूरी है और इसका कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने स्काई एयर मोबिलिटी के सीईओ अंकित शर्मा से खास बातचीत की। डिफेंस सेक्टर में ड्रोन किस तरह से काम करेगा या फिर फिलहाल काम कर रहा है और फ्यूचर किस तरह का है डिफेंस सिस्टम में ड्रोन का, ये समझने के लिए हमारे साथ अंकित कुमार हैं जो कि सीईओ है स्काई मोबिलिटी के और इसी क्षेत्र में ये कंपनी काम कर रही है। पहला सवाल यही है कि ड्रोन पर फिलहाल डिफेंस सेक्टर में हम कितना डिपेंड हैं अभी और आने वाला वक्त कैसा है ड्रोन के लिहाज से? सो ड्रोन का डिफेंस सेक्टर में बहुत यूटिलाइजेशन है। आपने सुना होगा कि बॉर्डर्स पे या सिक्योरिटी एरियाज में फ़िलहाल उसका इस्तेमाल सर्विलेंस और इंस्पेक्शन के लिए हो रहा है ताकि हम घुसपैठियों को देख सके और थर्मल इमेजिंग के तरीके से वो रात को भी इफ़ेक्टिव होता है और बहुत सारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में। बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ड्रोन डिलीवरी डिफेंस के सेक्टर में। ड्रोन के ज़रिए कम से कम वक्त में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, फर्स्ट एड किट्स हो गया, फूड सप्लाईज हो गया, आर्म्स हो गया या कोई भी और चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के लिए और उसको दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना है, दूर दराज के बेस पे पहुंचाना है, उसका उस क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन के ज़रिए हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को पहुंचा सकते हैं उस एरियाज़ में। सो आने वाले वक्त में डिफेंस के सेक्टर में ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता ठाकुर दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।